आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक जीनियस, एक बास्टर्ड चाइल्ड, सर्वाइवर ऑफ असासिन्स, लेकिन जिसने इतिहास रच दिया। भैया ये इतने जीनियस थे कि आज भी इनकी जब पेंटिंग्स को देखा जाता है कोई समझ ही नहीं पाता है। पता नहीं उसमें कितनी मिस्ट्रीज छुपी हुई है। नेचर साइंस को आर्ट में मिला दिया इन्होंने, आर्ट्स में मिला दिया। एक इंजीनियर, एक आर्किटेक्ट, एक स्कल्पचर, एक म्यूजिशियन और एक पेंटर तो थे ही ये, और बहुत सारी चीजें थी दोस्तों। एक्सट्रीमली टैलेंटेड थे, ऐसा कुछ भी नहीं था जो लियोनार्डो डाविंची को नहीं आता हो। शुरू में इनको पेंटिंग करने का कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं था, ये तो बाद में इन्होंने इसको प्रोफेशन बना लिया अपना। और उसके बाद तो दोस्तों ऐसा मतलब इस तरह का ये इतिहास रचते गए और ऐसे काम करते गए कि सब लोग भौचक्के हो गए। भैया उस समय इन्होंने हेलीकॉप्टर का डिजाइन बना दिया था, बड़े बड़े वेपन्स बना दिए थे, मैकेनिकल नाइट मतलब रोबोट्स बना दिए थे। कमाल का दोस्तों इनका दिमाग था, हर फील्ड ऑफ साइंस में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो हम लियोनार्डो डाविंची, एक गजब के जीनियस की आज हम हिस्ट्री देखेंगे और उनकी लाइफ देखेंगे। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेक्चर है दोस्तों, मुझे भी इनफैक्ट 2-3 हफ्ते लग गए इनको पढ़ने में, 2 पार्ट में लेक्चर आएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। sid_reconnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की PDF ले सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हमने हर एग्जाम्स को कवर किया है, जितने भी एग्जाम्स हैं, और 26 जनवरी तक तो रिपब्लिक डे सेल भी चल रही है। आप इन नंबर्स में कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए और पूरा फायदा उठाइए। क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, देखिए इस लेक्चर में हम इनकी पूरी लाइफ देखेंगे, ठीक है, पूरी की पूरी लाइफ 1519 तक, 1452 से लेके 1519 तक इनकी पूरी लाइफ देखेंगे, ये जितना जी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी फील्ड में, ये भी इसी लेक्चर में हम देखेंगे कौन कौन सी फील्ड में इनको महारत हासिल थी। भैया कहां कहां इनके हाथ थे, यहां पे इंसान एक ही फील्ड में पूरा परफेक्ट नहीं हो जाता, इन्होंने सारी फील्ड में परफेक्शन हासिल कर ली थी। इनका मानना था कि सब कुछ एक है, सब कुछ कनेक्टेड है, ठीक है। देखिए जो इंसान सब कुछ समझ जाता है, यूनिवर्स को समझ जाता है, क्रिएशन को समझ जाता है, उसके दिमाग पूरी तरीके से, उसका दिमाग पूरी तरीके से खुल जाता है। जो दिमाग में हमारी गांठें बंधी रहती है ना, वो एकदम से खुल जाती हैं। ये बहुत बहुत जीनियस के साथ हुआ है और हमने कवर भी किया है ये। उसके बाद इनकी मिस्टीरियस पेंटिंग्स को देखेंगे, स्पेशली मोनालिसा। मोनालिसा को तो आज भी लोग समझ नहीं पा रहे कि इसमें क्या हिडन मैसेज छुपा हुआ है। बड़ी खतरनाक पेंटिंग मोनालिसा को देखेंगे, इनकी पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे, इस लेक्चर में भी जानेंगे इनकी पेंटिंग्स के बारे में, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से अगले लेक्चर में समझेंगे। और उसके बाद इनके काम, जितने भी इनके वर्क्स रहे, इन्होंने इनकी एक नोटबुक थी जिसमें 15,000 से ज्यादा पन्ने हैं, ये सब कुछ लिखते जाते थे, अपने काम को लिखा है, इसमें बहुत सारी चीजें थी, तो वो सारी चीजें भी देखेंगे, जिसको द डाविंची कोड बोला गया, कोडेक्स बोला गया। भैया मूवी देखिए ना कि नहीं, द डाविंची कोड, टॉम हैंक्स की जबरदस्त मूवी, क्या कमाल की मूवी है, नहीं देखी तो आज ही देखिएगा, मजा आ जाएगी। अब दोस्तों अगर द लियोनार्डो डाविंची की बात करें तो इनका जन्म जो है 15 अप्रैल 1452 में हुआ था, टस्कैनी एक हिल टाउन है विंची में। विंची इनका कोई सरनेम नहीं है, विंची जगह है जहां ये पैदा हुए थे। आपको बता दूं दोस्तों कि लियोनार्डो डा विंची का कोई सरनेम ही नहीं है, क्योंकि ये बास्टर्ड सन थे। बास्टर्ड सन क्या होता है, देखिए, इल्लेजिटिमेट सन मतलब कि दो कपल शादी करते हैं, जो मेल है वो बहुत अमीर है, ठीक है, फीमेल भी ठीक है, लेकिन अगर मेल दूसरी औरत से जाके संबंध बनाता है, उससे जो बेटा होगा उसको कहेंगे बास्टर्ड सन। तो दोस्तों लियोनार्डो डा विंची के पिता जो कि काफी वेल्दी थे, एक नोटरी थे, एक लैंड ओनर थे, एक अच्छी खासी जिनकी इमेज थी, उन्होंने एक पेजेंट से संबंध बनाए जिसका नाम था कैटरीन, और उनसे उनको बेटा हुआ लियोनार्डो। तो ये एक बास्टर्ड सन थे, ओरिजिनल भी नहीं थे, लेजिटिमेट सन थे भी नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने, इनके पिताजी ने पूरी तरह से अपने बच्चे को नकार दिया, अपने बच्चे को इन्होंने पूरी शानो शौकत दी। शुरुआती जो इनका जीवन है अपने हिल टाउन में ही, टस्कैनी में ही बीता, और वहां पे बड़ी लैविश लाइफ इन्होंने जी, अपने पिता का जो पूरा रेपुटेशन था उसका भरपूर फायदा उठाया, बहुत अच्छे से ये जिए, और काफी बड़ा एकदम मकान था इनका, और वहां पे रहते थे, और अपनी शुरुआती पढ़ाई भी वहीं पे की। लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है,
वैसे वैसे दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अब दोस्तों ऐसा था कि इनके पिताजी ने तो काफी शादी की थी, ठीक है, और इनकी माता जी, जिनका कभी उसके बाद नाम भी नहीं पता, उन्होंने भी दूसरे इंसान से शादी कर ली थी, वो तो प्रेजेंट थी। इनके पिताजी ने दो तीन शादियां की थी और टोटल 16 से 17 सिबलिंग्स थे लियोनार्डो डाविंची के। और उसके बाद ये बोला जाता है कि लियोनार्डो का कोई बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं था इनसे, मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसा नहीं है कि अपने भाइयों से बहुत ज्यादा अटैच, ऐसा कुछ नहीं था। शुरू से इनको समझ में आ गया था कि इनको करना क्या है। अब दोस्तों ऐसा है कि वहां पे क्या था कि पैरेलली क्या हो रहा था, ब्रिजेंटाइन एम्पायर कोलैप्स हो रहा था। भैया कैपिटल क्या थी, कॉन्स्टेंटिनोपोल, आपको पता ही है। ऑटोमोन का राइज हो रहा था, ऑटोमोन द ग्रेट ऑटोमोन एम्पायर का, वो अपने चरम पे था। अब दोस्तों उसमें मैं नहीं जाऊंगा, पैरेलली बहुत सारी चीजें हो रही थी, वो मैं फिलहाल नहीं कवर करूंगा, बहुत भयानक, मैंने बोला ना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। जिस समय लियोनार्डो डाविंची का जन्म हुआ था, भयंकर तरीके से देश जो है, स्पेशली पूरा जो आपका रोम था, ब्रिजेंटाइन एम्पायर जो था, वो बहुत ही मुसीबत में था, तो उसको हम कवर नहीं करेंगे। ऑटोमन एम्पायर पे ऑलरेडी दो पार्ट कवर्ड है, स्टडी आईक्यू पे वीडियो है, महिपाल सर ने कवर किया है, तो आप देख लीजिएगा। तो ऐसा है कि पॉलिटिकल टर्मोइल हर जगह था, अब कुछ ना कुछ करना था। देखिए इनका जो स्टेटस था, ये बास्टर्ड का था, और उस समय जिंदगी बहुत ही सस्ती थी, ठीक है, कोई भी आता था मार देता था, स्पेशली जो किंग्स गार्ड होते थे, उठा के अगर किसी को शक भी होता था तो पब्लिक हैंगिंग करते थे, जान से मार देते थे। तो जो जिंदगी थी बहुत ही ज्यादा सस्ती थी, कुछ ना कुछ इनको करना था। उसके बाद दोस्तों ये फ्लोरेंस आ जाते हैं, फ्लोरेंस इटली, जो अगेन एक और ऐसा शहर जहां पे पॉलिटिक्स पैरालाइज हो गई है, एकदम पॉलिटिकल पैरालिसिस था वहां पे, और बहुत ही ज्यादा क्योस था उस समय भी। अब वहां पे एक फैमिली रूल करती थी जिनको मेडिची बोला जाता था, ये बैंकिंग फैमिली थी, इनके पास बहुत पैसा था, बहुत ज्यादा पैसा था, और यही रूल करते थे। तो कुछ भी करके इनको जल्दी से जल्दी एक स्टेटस बनानी थी, वरना प्रॉब्लम हो जाती। उसके बाद दोस्तों इन्होंने इनफॉर्मल एजुकेशन लैटिन ज्योमेट्री मैथमेटिक्स में की। दोस्तों 30 साल के जब हुए तब इन्होंने ज्योमेट्री और मैथ्स को बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जब ये 14 साल के हुए, 1466 सबसे बड़ा क्या कहते हैं कि इवेंट हुआ इनकी लाइफ में, जो लाइफ चेंजिंग इवेंट था, वेरेक्यो स्टूडियो में इनको जॉब मिल गई। उस समय ये वेरेक्यो स्टूडियो जो था वो वेरेक्यो का था, जो कि उस समय के बहुत बड़े पेंटर थे, ठीक है, पेंटर, काफी अच्छी उनकी खासी वर्कशॉप थी, ठीक है। तो वहां पे ये काम करने लगे खाली 14 साल की उम्र में, और वहीं से ही इनके टैलेंट को एक नया मोड़ मिल गया। अब दोस्तों यहां वहां पे भी काम आसान नहीं था, बड़े बड़े पेंटर्स इनके साथ काम करते थे, अच्छी खासी आपको स्किल्स चाहिए थी, लेकिन भैया लियोनार्डो तो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड थे, शुरू से ही उनके पास स्किल्स थी। इन्होंने इतना जबरदस्त काम किया कि वहां पे हर कोई खुश हो गया। अब दोस्तों वहां पे इन्होंने ऐसा बोला जाता कि वहीं पे इन्होंने पहली पहली बार आपका पूरा वो जो पेंटिंग ब्रश है उठाया, इंक ली, और उसके बाद कोलैबोरेट करके आर्नो की जो पेंटिंग है, आर्नो वैली की पेंटिंग है, वो पेंट किया उन्होंने। उसके बाद दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, और खाली 20 साल के थे और इनका टैलेंट इतना जबरदस्त पहुंच गया था कि 1472 आते आते इनको गिल्ड्स में शामिल कर दिया था। अब ये गिल्ड्स क्या होते थे दोस्तों, ये ट्रेड यूनियंस होते थे, ठीक है, ये ट्रेड यूनियंस होते थे। अगर हम यहां पे पेंटिंग पेंटर्स के भी गिल्ड्स होते थे, ठीक है, तो अब ऐसा है कि एक बास्टर्ड को कोई भी गिल्ड जो है वो शामिल नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था कि लाइफ सस्ती थी, जेलसी बहुत उस समय ज्यादा थी, ठीक है। हालांकि उस समय जो पूरा इटली जो था वो एक नए दौर से गुजर रहा था, ठीक है, रोम जो था वो पूरा एक नए दौर से गुजर रहा था, ब्रिजेंटाइन एम्पायर, और अभी आने वाले समय में तो ये पूरा रेनेसा का पीरियड होने वाला था, ठीक है, एक रीबर्थ होने वाली थी, ठीक है, ह्यूमैनिस्ट आइडियाज जो है वो जन्म लेने वाले थे, और लियोनार्डो डाविंची तो अपनी पेंटिंग से यही मैसेज देते थे। लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल होती थी, अगर किसी को लगता था कि कोई इंसान बहुत जल्दी ऊपर जा रहा है तो उसको वहीं पे ही खत्म कर दिया जाता था, झूठे चार्जेस में फंसा के मरवा दिया जाता था। लियोनार्डो को ये पता था, लियोनार्डो को पता था कि जल्द से जल्द मुझे अपने इस इललेजिटिमेट, ये जो टाइटल है बास्टर्ड का, इससे ऊपर उठना है, और उससे ऊपर उठने के लिए मुझे गिल्ड्स में घुसना होगा। लेकिन गिल्ड्स में बास्टर्ड्स की तो एंट्री है नहीं, तो यहां पे ये इतने जबरदस्त इन्होंने अपना स्टेचर एस्टेब्लिश कर लिया था, इतने अच्छे से इन्होंने सबको खुश किया, पेंटर्स को खुश किया, कि इनको गिल्ड्स में शामिल कर लिया, और ये गिल्ड्स ऑफ आर्टिस्ट थे। आर्टिस्ट का जो गिल्ड्स था, आर्टिस्ट का जो यूनियन था, उसमें ये शामिल हो गए, और यहां से इनका जो है, अब इनका जो करियर है, पेंटिंग करियर,
ये स्टार्ट हो गया। तो ये चीज थी। अब उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इनके साथ काम किया, कोलैबोरेट किया, कुछ काफी अच्छी खासी ड्राइंग की। जैसा कि मैंने बताया ना कि आर्नो वैली को इन्होंने पहली बार, ऐसा बोला जाता है कि पेन एंड पिंक ली और आर्नो वैली को पहली बार इन्होंने ड्रॉ करना शुरू कर दिया। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, एक खूबसूरत पेंटिंग बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट। बताना चाहता हूं दोस्तों, जो लियोनार्डो की पेंटिंग्स थी वो ज्यादातर मदर मेरी, जीसस क्राइस्ट, और ऐसा बोला जाता है कि लियोनार्डो खुद भी वहां पे अपने आप को रख देते थे कहीं ना कहीं छुपा के, ठीक है। ऐसा जब ये डिकोड किया गया और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इनकी पेंटिंग्स में दोस्तों रिसर्च होती है, आपको बताते हैं, पीयर रिव्यू होते हैं, ठीक है, इनकी पेंटिंग्स में। बड़े बड़े रिसर्चर जो है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज इनकी पेंटिंग को देखती है, क्योंकि इनकी पेंटिंग्स में हमेशा एक हिडन मैसेज होता है और इतना खतरनाक होता है। मोनालिसा की जो पेंटिंग है उसको तो अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। मोनालिसा की अभी हम दिखाएंगे और अगले पार्ट में उसमें अच्छे से बात भी करेंगे। ये सारी पेंटिंग्स में दोस्तों मैं अगले पार्ट में बहुत ही अच्छे से बात करूंगा। तो उसमें अगर मोनालिसा की आप पेंटिंग को देखें तो हर एंगल से उनकी स्माइल अलग अलग है, कमाल की बात है। पता नहीं कैसे किया, क्या जीनियस थे ये। तो दोस्तों इनकी पेंटिंग में जीसस क्राइस्ट होते थे, और बता दूं कि नेचर लवर थे दोस्तों, ये वेजिटेरियन थे। इन्होंने किसी भी जीव जंतु को मारने से मना कर दिया था, नेचर के हैं तो नहीं खाते थे, रिफ्यूजेस टू ईट मीट ऑलवेज, लियोनार्डो डा विंची द ग्रेट। तो ये चीज थी। उसके बाद दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है। अच्छा, ये बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट जो है ये कोलैबोरेट करके बनाई गई थी वेराक्यो स्टूडियो में ही 1475 के अराउंड। अब दोस्तों उसके बाद अगर बात करें तो इनके पिताजी ने इनका खुद का स्टूडियो, खुद की दुकान खुलवा दी थी, लेकिन उसके बावजूद ये 5 साल तक वेराक्यो स्टूडियो में रहे, बहुत ज्यादा अटैच थे और वहां पे काम किया, और उसके बाद फिर ये इंडिपेंडेंटली काम करने लगे। और वहां पे इनको काफी असाइनमेंट मिलते थे कि भैया ये पेंट कर दो। इनकी इमेज जो है वो धीमे धीमे बढ़ने लगी। अब यहां पे दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही जल्द सबको पता चल गया था कि लड़के में कुछ बात तो है, लोग जलने लगे इनसे। 1476 में इनको चार्ज किया गया, सोडोमी पे इनको चार्ज किया गया कि ये इनको ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो लड़कों में है, और यहां पे कुछ मेल पार्टनर जो है वो ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, और इसमें लियोनार्डो डा विंची भी थे। अब दोस्तों ये तो इल्जाम बहुत बड़ा था, सोडोमी बिल्कुल भी उस समय अनएक्सेप्टेबल थी, ठीक है, आप कर ही नहीं सकते थे। सेम सेक्स पार्टनर्स आप बिल्कुल भी नहीं रख सकते थे, आपको सीधा डेथ मिलती। लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिला लियोनार्डो डा विंची के खिलाफ, तो ये सारे चार्जेस जो है वो अल्टीमेटली ड्रॉप हो गए। बता दूं लियोनार्डो डा विंची को होमोसेक्सुअल भी बहुत बार बोला जाता है, ठीक है, इन्होंने कभी शादी नहीं की थी, और जिस तरह से इनके बारे में बताया जाता है ऐसा बोला जाता है कि ये होमोसेक्सुअल थे, लेकिन इस पे भी कोई पुख्ता सबूत जो है वो नहीं मिलता है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं था। और दोस्तों इनकी जो बायोग्राफी है वो वसारी ने पब्लिश की थी। वसारी एक और हिस्टोरियन, स्कल्पचर, पेंटर थे, ठीक है, और सबसे बड़ा अकाउंट हमको वसारी से ही मिलता है। और आपको बताना चाहता हूं कि वसारी 1550 में, वैसे इनकी बायोग्राफी जो है वो वसारी में मतलब पब्लिश की थी। चलिए, अच्छा, वसारी के बारे में अभी थोड़ी देर बात करते हैं, अभी इनको मैं इसमें नहीं घुसाऊंगा। तो उसके बाद दोस्तों इन्होंने एडोरेशन ऑफ मैगी, ये कुछ अनफिनिश्ड इन्होंने पेंटिंग्स थी जो खत्म नहीं हो पाई थी सही टाइम पे, क्योंकि इनको मिलान जाना पड़ गया था। तो 1482 में ये मिलान चले गए थे और अगले 17 साल ये मिलान में ही बिताते हैं। अब दोस्तों ऐसा है कि इनको मिलान भेजा गया था कि वहां के जो ड्यूक हैं लुडोविको फोर्जा, उनसे जाके तुम बेटा पीस एस्टैब्लिश करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ मतलब जाके करो, देखो कि पीस एस्टैब्लिश हो सकता है कि नहीं। उस समय जो इटली था, आज जो इटली आपको दिख रहा है, उस समय का इटली छोटे 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 किंगडम्स में बटा हुआ था और उसको राजा रूल करते थे, ठीक है। तो ये चीज थी। अब भैया वसारी के मुताबिक तो बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन थे, और इवन जब वो ड्यूक से मिलने गए थे तो वहां पे भी उन्होंने इनको एरे गिफ्ट किया था, एक हार्पून होता ना छोटा सा, वो देखा होगा आपने कैसे उसको समझाओ, मुझे इमेज डाल देनी चाहिए थी, आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, वही गिफ्ट किया था जिसको, जो हॉर्स हेड की शेप में था। तो ये चीज थी। अब दोस्तों क्या है कि ड्यूक ऑफ मिलान इनसे इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए कि ये 17 साल तक मिलान में ही रहे, 1499 तक वहां पे मिलान में रहे और वहीं पे ही काम करते रहे, और वहां पे इन्होंने 2 ऐतिहासिक पेंटिंग की, लास्ट सपर दोस्तों और द वर्जन ऑफ द रॉक्स। लास्ट सपर तो वो अभी दिखाएंगे हम अगली स्लाइड में कि वो क्या है लास्ट सपर, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो जबरदस्त पेंटिंग, और उसमें बोला जाता है कि भैया लियोनार्डो उसमें खुद ही है। लास्ट सपर जब जीसस आखिरी बार
सबके सबके साथ मिलके, जो उनके डिसाइपल्स हैं उनके साथ मिलके डिनर कर रहे होते हैं, तो वो हम देखेंगे अभी। तो ये दो उन्होंने ऐतिहासिक पेंटिंग्स ली, और मतलब कमीशन लिया और उसको पेंट भी किया। दूसरी चीज दोस्तों ये है कि यहां पे ये ड्यूक को ये कन्विंस करते हैं कि मैं एक इंजीनियर भी हूं, मैं एक आर्किटेक्चर भी हूं, मैं यहां पे ऐसे ऐसे आपको वॉर वेपन्स बना के दूंगा जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। आपने दोस्तों बाहुबली 2 देखी होगी, तो उसमें देखा है ना कि वो जो विलन होता है, मैं नाम भूल गया क्या नाम था, ठीक है कुछ क्या बी से कुछ करके नाम था, क्या देव कुछ ऐसे ही था। तो उसमें जो विलन होता है, तो उसका जो रथ होता है उसके आपने ऊपर देखा होगा कि वो हेलीकॉप्टर टाइप का होता है, मतलब हेलीकॉप्टर वो जो ब्लेड्स होते हैं बहुत ही बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं, और जो पहिए में भी ब्लेड्स बड़े बड़े लगे होते हैं, आपने देखा होगा, आप इमेजिन कर पा रहे हैं, तो मेरा काम हो गया। ऐसा ही, एग्जैक्ट ऐसा ही लियोनार्डो डाविंची ने डिजाइन किया था। ये हमारी वॉर मशीन है, मैकेनिकल नाइट इन्होंने डिजाइन करने की बात की थी कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सोल्जर्स काम करेंगे, परेशान मत होइए, रोबोट्स एक तरह से इनडायरेक्टली, हेलीकॉप्टर बना दिया था भैया। तो ऐसा है ना कि इन्होंने ढेर सारे सैवेज मशीन्स बनाए। अब यहां पे तर्क ये दिया जाता है, जब लियोनार्डो इतना ज्यादा ह्यूमैनिटी को प्यार करते थे तो फिर इस तरह के वेपन्स क्यों बनाए भैया, सर्वाइव करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। एज एन इंजीनियर भी अपने आप को बताना चाहते थे कि एज एन इंजीनियर भी मैं कितना जबरदस्त। उसके बाद फिर दोस्तों इनको एनाटॉमी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज्यादा अजीब तरह का नेचर था दोस्तों लियोनार्डो डा विंची। ऐसा बोला जाता है कि हर आधे आधे घंटे पे ये 10-10 मिनट की नींद लेते थे, पूरी नींद भी नहीं लेते थे, बहुत ही गजब का इनका दिमाग था, गजब एकदम जो कह सकते हैं, विजनरी थे। कभी कभी ऐसा लगता था, ऐसे इतना ज्यादा ये डूब जाते थे अपने में कि ऐसा करते थे कि ये सोचते थे कि मैं एकदम चिड़ियाओं के साथ उड़ रहा हूं, चिड़ियों के साथ उड़ रहा हूं, और कभी कभी एकदम ओशन के डीप में मैं तैर रहा हूं, और वहीं से ही इनको भयानक आइडियाज मिलते थे। ये चीज थी, जब ये मिलान में थे तो वहां के जो ड्यूक थे, ठीक है, जो राजा थे, उन्होंने एक चीज और बोली कि हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रीडेसेसर, ठीक है, हमारे जो पूर्वज है और इस डायनेस्टी के जो स्थापक है फ्रांसिस्को फोर्जा, उनका एक बहुत बड़ा स्मारक बनाए और ब्रॉन्ज स्टैचू हो, खूब बड़ा हो, हम चाहते हैं। तो भैया 1493 में उन्होंने बना के दिया। हॉर्स की, हॉर्स पे भी इन्होंने लंबी चौड़ी स्टडी दी, जैसा कि मैंने बताया ना कि एनाटॉमी में इनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, वो अगले पार्ट में हम देखेंगे। अब दोस्तों ये देखिए लास्ट सपर, ठीक है, क्या खूबसूरत पेंटिंग है दोस्तों। जीसस को पता है कि एक उनका एपोस्टल है, एक एपोस्टल है वो इनको धोखा देगा, लेकिन तब भी वो शांत है। आप देख सकते हैं, आप 5 मिनट इस पेंटिंग को देख लीजिए, आप इसमें डूब जाएंगे। और ये जो ये इसको रिफ्रेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, जो मेस होती है जहां पे सब खाना खा रहे हैं, और ऑपोजिट में, इन रिफ्रेक्टर्स के ऑपोजिट में पूरा क्रूसीफिकेशन का दृश्य जो है वो दर्शाया गया है। आप सोच देख सकते हैं इस पेंटर की सोच कहां चली गई, पेंटिंग में ही सब कुछ बता दिया। लास्ट सपर और बाकी पेंटिंग्स की बात दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे। तो दोस्तों ये चीज थी। अब उसके बाद दोस्तों ऐसा है कि 1499 में सेकेंड इटालियन वॉर हो जाता है। तो 1499 से लेकर 1504 तक ये पूरा वॉर चलता है, और वहीं पे फिर ड्यूक का फेल हो जाता है। वॉरियर्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, पीस कैसे रिस्टोर होगा। तो लियोनार्डो जो है वो मिलान से हट, मतलब चले जाते हैं वहां से, ठीक है, और मिलान से हटके पहले वो वेनिस जाते हैं, और उसके बाद वापस भैया फ्लोरेंस चले जाते हैं, उनकी कर्म भूमि, और उसके बाद कुछ साल वो फ्लोरेंस में बिताते हैं। ये दोस्तों एक और पेंटिंग है उनकी जो मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, और जब भी मैं देखता हूं एकदम खो जाता हूं। इस पेंटिंग का नाम है द वर्जन एंड द चाइल्ड विद सेंट जॉन एंड सेंट एन्स। आप देख सकते हैं ये मदर मेरी जो है अपनी अपनी जो माता है उनकी नीस पे बैठी हुई है, और ये बेबी जीसस है इनके। आई एम रियली सॉरी, मैंने पेंटिंग पे पेन चला दिया, वैसे ओरिजिनल नहीं है, और ये बेबी जीसस है जो उनके लैप में है, और ये आपके सेंट जॉन है, ठीक है। तो ये चीज है, तो इनकी भी हम सब पेंटिंग्स की अभी हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। और दोस्तों ये जो आइकॉनिक पेंटिंग है दोस्तों मोना लिसा की, ये तो मैं क्या बताऊं, मैं कोशिश करूंगा कि इन पे एक सेपरेट लेक्चर बना दूं। ऐसी ऐसी इस पेंटिंग में राज छुपे हैं, अगले पार्ट में मैं सारे राज खोलूंगा, मतलब मैं तो नहीं खोलूंगा, जो यूनिवर्सिटीज पे रिसर्च हुई है और जो जो सामने आया है दोस्तों वो सब बताएंगे। यहाँ पे इतने संदेश छुपे हुए हैं, इतने संदेश छुपे हुए हैं कि लोग पगला गए हैं। बड़े इन पेंटिंग्स की एक एक लेयर निकाली गई है, लाइट्स में स्पेक्ट्रोग्राफी की गई है, और उसके बाद जो रिजल्ट सामने आए
बहुत चौंकाने वाले हैं। देखेंगे हम दोस्तों मोनालिसा की पेंटिंग को अगले पार्ट में। उसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि फ्लोरेंस आ गए और उसके बाद वहां पे फिर इनके पिताजी की भी जो है वो डेथ हो गई 1504 में, और उसके बाद फिर ये अपने भाई के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गई और भाई के साथ ये बैठ गए कि प्रॉपर्टी मेरी है, प्रॉपर्टी मेरी है, वहां पे चीज हुई। और उसके बाद दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है। अब लियोनार्डो को भी पता है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये जो मोनालिसा की पेंटिंग है ये इसका जो काम था ये 1503 में स्टार्ट हुआ था, 1503 में स्टार्ट हुआ था, और सबसे बड़ा ये वर्क है अभी तक का लियोनार्डो डाविंची का, आइकॉनिक वर्क है। जब भी मोनालिसा की बात होती है इस समय भैया पेरिस में लौरे म्यूजियम में, ठीक है, तो बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे ये पेंटिंग है। हाँ, तो जब भी मोनालिसा की बात होती है तो हमेशा लियोनार्डो डाविंची की बात होती है। तो ऐसा है कि अब क्या होता है कि दोस्तों लियोनार्डो डाविंची को भी पता था कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यहां पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हर वक्त इन्वेजन हो रहा है, तो मुझे अपने काम को ठीक से करना पड़ेगा। आपको बता दूं दोस्तों, जब ये फ्लोरेंस पे रहते थे, मतलब जहां पे भी ये रहे हैं, आसपास के घरों का माहौल बहुत खराब रहता था, बड़ी गंदगी रहती थी, खून फैला रहता था ये, लेकिन इनका जो घर था बिल्कुल शांत रहता था, म्यूजिक बज रहा होता था, ये आराम से पेंटिंग कर रहे होते थे, तो कोई इतनी ज्यादा दिक्कतें थी नहीं। उसके बाद दोस्तों अगेन फ्रांसिस वन का कब्जा हो जाता है, मिलान को वापस कैप्चर कर लिया जाता है, और फ्रांसिस वन जो होते हैं, जो फ्रांस के राजा होते हैं, वो लियोनार्डो डाविंची पे फिदा हो जाते हैं। और उसके बाद लियोनार्डो डाविंची को दोस्तों बीच में क्या होता है, 1503 से 1516 तक ये पूरा काम इनका चलता रहता है, बहुत सारी पेंटिंग्स करते हैं, इसमें मोनालिसा की भी पेंटिंग्स को ये कंप्लीट करते हैं, और जो कुछ नए पेंटर्स आ जाते हैं उस समय, माइकल एंजेलो रफायल, उनसे भी थोड़ा बहुत इनका डिस्प्यूट होता है, कई बार टॉन्टिंग हो जाती है। लियोनार्डो डाविंची कई बार मॉक भी कर चुके हैं माइकल एंजेलो को, जो कि एक और बहुत ही जबरदस्त पेंटर थे। ये सब दोस्तों रेनेसा पीरियड के पेंटर्स थे, इटली में रेनेसा आया था ना, ठीक है, तो वो खैर अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, वो ऑलरेडी महिपाल सर ने कवर किया है। तो अब दोस्तों उसके बाद फिर दोस्तों किंग फ्रांसिस वन का फ्रांस पे कब्जा हो जाता है, मिलान को पूरी तरीके से कब्जा कर लिया जाता है, लेकिन लियोनार्डो से बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं, और लियोनार्डो की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा होती है कि सबको पता होता है कि इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो उसके बाद फिर उनके लिए फ्रांसिस बोलते हैं कि तुम हमारे लिए काम करो और हमारे ही जगह पे रहो। तो वहां पे फिर दोस्तों इनको टाइटल मिलता है कि प्रीमियर पेंटर और इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट ऑफ द किंग, दोनों है भैया राजा के लिए। और डाविंची फिर उसके बाद क्लाउस में रहते हैं, ठीक है, यहीं पे ही रहते हैं, और यहीं पे ही इनकी मृत्यु हो जाती है 67 साल की उम्र में। ये आप देख सकते हैं, अब तो इसको म्यूजियम बना दिया गया है, ये आखिरी वक्त है जहां पे लियोनार्डो डाविंची ने बिताए थे। आई होप ये लेक्चर दोस्तों आपको बहुत पसंद आया होगा। पार्ट वन की समाप्ति हो गई है, पार्ट टू में हम इनके अब काम देखेंगे, पेंटिंग्स देखेंगे और बहुत सारी चीजें जानेंगे, देखेंगे क्या क्या हुआ, और दोस्तों इनके राज खोलेंगे, इन्होंने जो अपनी नोटबुक्स में लिखे हैं वो भी देखेंगे कि नोटबुक्स में इनके क्या क्या थे, क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।